ओके तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 71 ही हम देख रहे थे। एक समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची नहीं है, सही है, ठीक है। तो हमारा सरोज जलस पंकज तो है, राजीव इंदिवर कंज भी है, और शतदल उत्पल और सरसिज, ठीक है, ये भी है। तो यहाँ पे अरविंद नीरद, जो नीरद शब्द आ गया और अब शब्द आ गया, ये हमारे अंबर के हो गए, बादल के, तो ये हमारे नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि अरविंद नीरद अभ्र समूह कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल के पर्यायवाची तो बहुत सारे हैं, कंज पंकज जलस सरोज नीरज अंबुज वारिज इंदिवर राजीव उत्पल अरविंद शतल, ये सारे के सारे हो गए। जबकि हमारा जो ये शब्द है कौन से, नीरद और अभ्र, ये अर्थ बादल के हैं। ओके फिर आता है इधर एक बहुत प्यारा सा शब्द, चंचरीक। चंचरीक किसके लिए इस्तेमाल होता है, चंचरीक भौरा के लिए इस्तेमाल होता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद इधर आते हैं 66 पे कि एक गणेश का पर्यायवाची नहीं है एक शब्द। तो हमारा एकदंत होता है, विनायक होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड जो न्यू है वो है हेरम्ब, तो हेरम्ब भी हमारा ये गणेश का पर्यायवाची होता है। तो एकदंत, विनायक, गजानन, हेरम्ब, विघ्ननाशक, गणपति, लंबोदर, ये सारे होते हैं। तो ये जो है वदन है, ठीक है वदन जो है ये हमारा गणेश का पर्यायवाची नहीं होता है। उसके बाद पहले देख लेते हैं 67 कि समीर का पर्यायवाची तो हमारा सीधे से हवा। ओके बाकी हमारे वायु, पवन, हवा, वात, मारुत, अनिल, ये सारे हो गए, वात भी। ओके नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समान अर्थ वर्ग का नहीं है। तो एक हमारा अलग है बाकी समान है, जैसे कि दुख, कष्ट और पीड़ा सब एक जैसे हैं, बट हमारा भय, भय हमारा अलग शब्द हो गया। फिर देख लेते हैं 73 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची हमारा अवनी नहीं है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, हमारा नभ तो होता ही है और अंबर भी होता है आकाश का और गगन भी होता है। तो अवनी जो शब्द है वो हमारा आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, बाकी सारे हैं। अब बचा बीच में ये क्षिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे UKPCS में पूछा था AE में। ओके तो क्षिति जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है, तो क्षिति हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची है। अब पृथ्वी के पर्यायवाची और क्या क्या आ गए देखो, धरा, वसुंधरा, अचला, मही, मेदिनी, उर्वी, अवनी, ईला, छोड़ी, ये सारे सारे हमारे किसके पर्यायवाची हो गए, हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए, ये सारे के सारे। उसके बाद देखते हैं कमल, कमल जो है हमारा उसके जलज, पंकज, अंबुज, नीरज, सरोज, राजीव, इंदिवर आदि, ये सबको ही पता है। फिर बादल आ गया, तो घन, मेघ, नीरद, जीमूत, वारिधर, पयोधि, जलद, सारंग, अब्र आदि बादल के हो गए सारे। और एक और हमारा कौन सा बचा, सरोवर, तो सरोवर के लिए पोखर, ताल, तालाब, ये तड़ाग, कासार, सरसी, ये सारे अच्छे अच्छे वर्ड हैं, पुष्कर, दह और हिर्द और जलाशय, तो ये हमारे सारे सरोवर के पर्यायवाची हो गए। आगे बढ़ते हैं 73 हो गया, 74 पे आते हैं कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा है देखो, रवि तो है, दिनकर भी है और भानु भी है, तो गिरीश हमारा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसको अलग उससे कर देते हैं। तो गिरीश सूर्य का पर्यायवाची हमारा नहीं है। तो हमारा ये सारे के सारे गिरीश शब्द के अनुपर्याय हैं, शंकर, नीलकंठ, महादेव, महेश, ठीक है, ये गिरीश शंकर जी के लिए बोला जाता है। एक का अर्थ घोड़ा है, तो तुरंग जो है वो हमारा घोड़ा का पर्यायवाची होता है, जबकि तुरंत, तरंग और तुरई ये हमारे नहीं है। तुरंत का मतलब कि ठीक इसी समय, और तरंग का मतलब हिलो या फिर लहर के लिए तरंग को इस्तेमाल करते हैं। और एक अच्छा सा न्यू शब्द है तुरई, तो तुरई शब्द हमारा तोरी नामक बेल जिसके लंबे फलों की, ठीक है, तुरई मतलब तोरई जो सब्जी होती है तोरई की, उसके लिए यूज करते हैं उसको, तोरी, तुरई, तोरई, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोला जाता है, जैसे तरोई या फिर तोरी ये बोला जाता है। उसके बाद आते हैं 80 पे, इनमें से शब्द का अर्थ है गंध, किस शब्द का अर्थ है गंध, मतलब हमारा बास, बास मतलब गंध, बुरी बदबू, बुरी मतलब जो गंध आती है। तो बाकी तो बास का अर्थ गंध होता है, जबकि वास का अर्थ होता है निवास, रहना, ठीक है। बास तो सबको ही पता है, बास बास होता है, एक प्रजाति का लंबा सीधा पौधा होता है, बम्बू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बैम्बू। और वासक का क्या हो गया, वासक विशेषण शब्द है, इसका अर्थ है सुवासित करने वाला होता है, ठीक है, सुवासित करने वाला वासक। और आगे चलते हैं 81 में क्या बात कही जा रही है कि एक इनमें से एक शब्द का अर्थ है फाइल, तो फाइल का हमारा पर्यायवाची है मिसिल, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिल जो शब्द होता है वो फाइल का पर्यायवाची होता है। बाकी यहाँ पे क्या क्या वर्ड यूज हुए हैं, मसला, ठीक है, मसला मतलब कोई प्रॉब्लम जैसे उसको बोलते हैं, मशाल, मशाल जो जिसमें ऊपर ये आग जलाते हैं, और मसाला तो समझ में आता है सबके किचन में होता है। तो फाइल का फिर बचा क्या, मिसिल, तो फाइल का समानार्थी शब्द है मिसिल, जो एक काफ़ी अच्छा नया तरीके का शब्द है। तो मिसिल सब फाइल का समानार्थी शब्द है, जबकि मसाला का अर्थ समस्या से है, मसाला का अर्थ गुड़ स्वाद वाला हो गया, और बढ़ाने की सामग्री धनिया लौंग, ये सारे मसाले हो गए, मतलब ये तो लगभग सभी को आता है, मशाल मतलब जो लकड़ी में लगा के करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं
82, इनमें से एक का अर्थ है ताकतवर, तो एक का अर्थ है ताकतवर, तो हमारा ताकतवर हमारा आ जाता है रुस्तम। रुस्तम जो शब्द होता है वो ताकतवर से रिलेटेड हो गया। कुरंग, करंग और दारा बचे हुए शब्द हो गए। तो दारा का मतलब एक समुद्री मछली के लिए बोलते हैं, ठीक है। करम मतलब कार, कर्म, और हमारा बचा गया कुरंग। कुरंग मतलब बुरे रंग का, कुरंग बुरे रंग का या भद्दा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि 76 से 79 तक के प्रश्नों के ऊपर दिए गए शब्दों की शुद्ध पर्यायवाची हमें बताने हैं। तो इंद्र का पर्यायवाची हमारा मघवा होता है, ठीक है। शची, उपेंद्र, शूल, पाड़ी नहीं। तो देखो इंद्र के और क्या पर्यायवाची हो गए, देवराज, सुरपति, महेंद्र, देवेंद्र, पुरंदर, अमरेश, सुरराज, सुरेंद्र, ये सारे इंद्र के, और मघवा, तो ठीक है, और वासव, पुरहुत, शचीपति, ठीक है, शचीपति, ये शची नहीं शचीपति होगा, जबकि शची का इंद्राणी, शूलपाड़ी, शंकर का उपेंद्र, ठीक है। अब यहाँ पे अलग शब्द है शची, शची का मतलब इंद्राणी हो गया, इंद्र की पत्नी, या शूलपाड़ी हो गया, ओके। और क्या हुआ, शंकर का उपेंद्र, शूलपाड़ी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है कि ये जो लिखा है शूलपाणी, ये जो शूलपाणी है, ये शूलपाणी शंकर का हमारा पर्यायवाची होता है, ठीक है। मघवा इंद्र का, और उपेंद्र विष्णु का, और सची इंद्राणी का, और ये जो बचा उपेंद्र, ये विष्णु का हो गया, सॉरी ये उपेंद्र, ये हमारा विष्णु का हो गया उपेंद्र। तो इसमें काफ़ी थोड़ा मतलब मिक्स टाइप का था। फिर आता है कि भाई कमल, तो कमल का हमारा क्या हो गया, वारिद होगानी, पयोद होगानी, ताम्ररसनी, पुंडरीक, हमारा कमल का हो गया। तो कमल का पर्यायवाची शब्द है पुंडरीक। बाकी हमारे वही सब पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद, शतल, सरसिज, नलिन आदि। जबकि वारिद और पयोद जो होते हैं, ये दोनों हमारे वारिद और पयोद किसके हो गए, बादल के हो गए। उसके बाद आता है कि इनमें से पहले कोकिल इधर ही देख लेते हैं। तो कोकिल हम किसके लिए, पिक, मतलब कोयला, कोयल के लिए यूज करते हैं। कोयल का एक तो कोकिल पर्यायवाची, एक पिक भी है। तो कोयल, पिक, और इसको और क्या बोलते हैं, एक बढ़िया सा शब्द है बसंत दूत, कोयल को हम बसंत दूत भी कहते हैं। और जबकि कीर, कीर किसके लिए यूज होता है, ये जो कीर है ये हमारा तोता के लिए यूज होता है। केकी और सिखी, ये जो बाकी दो बचे हैं, ये केकी और सिखी, ये दोनों हमारे किसके लिए यूज होते हैं, मोर के लिए यूज होते हैं, केकी और सिखी, ये याद रखना है। तो पिक कोकिल या कोयला के लिए, और इसको बसंत दूत भी कहते हैं, और कीर जो शब्द है वो तोता के लिए यूज होता है। यहाँ पे वन जो शब्द आता है, वन का मतलब अरण्य, ये शब्द, ठीक है, वन का अरण्य। बाकी विपन, अर्णव, कटक, इनको देख लेते हैं। कटक हमारा सोने के लिए होता है। तो देखो वन के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अरण्य, गहन, कांतार, जंगल, विपिन, कानन, ये सारे वन के हो गए। और जबकि अर्णव समुद्र का हमारा पर्यायवाची है, और कटक मैंने जैसे बताई दिया, कटक आपका सोना का पर्यायवाची शब्द हो गया है। उसके बाद आते हैं 83 पे कि इनमें से एक शब्द पाप का पर्याय है, ओके, एक शब्द पाप का पर्याय है। तो पतित, पूत, पत्रक, पाप का पर्याय पातक होता है, ठीक है। पूत तो होता नहीं, वो तो पुत्र बेटा उसमें आ जाता है, पत्रक नहीं, पतित नहीं। तो देखो पाप का अध होता है, मतलब अध मतलब आधा, पातक, गुनाह, कुलुष, सॉरी कलुष, ये पाप के हो गए। पतित मतलब आपका अधम, निकृष्ट, निम्न, नीच, मतलब उसी तरीके का है बट वो अलग चीज है, भ्रष्ट। तो ये हो गया, मतलब कुल लागे इसको पापी टाइप कह सकते हैं कि पतित पापी, और पाप तो जो पाप करते हैं, तो पाप पतित एक तरीके से पापी टाइप का शब्द। फिर पूत मतलब तने, आत्मज, सुत, सुत और औरस, मतलब वही पुत्र से रिलेटेड हो गया। और पत्रक मतलब दल, ठीक है, पर्ण, पल्लव और पात। तो वही जो पात मतलब क्या बोलेंगे कि जो जैसे पत्तल होता है, मतलब जिसमें हम खा सकते हैं, उस तरीके का कुछ शब्द है पत्रक। उसके बाद एक अच्छा सा बड़ा भारी भयंकर शब्द है हमारा प्रत्युपन्मति, ठीक है, प्रत्यु और प्रत्युत्पन्मति, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, तत्पर बुद्धि। प्रत्युत्पन्मति का अर्थ है तत्पर बुद्धि, ये याद रखेंगे, ओके। और प्रत्युत पन्मति का अर्थ तत्पर बुद्धि, जो शीघ्र किसी बात को सोच ले, अर्थात तत्पर बुद्धि मतलब तुरंत सोचने वाला, उल्टी खोपड़ी सहनशील मंद बुद्धि नहीं, तो पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। तो प्रत्युत पन्मति मतलब तत्पर बुद्धि वाला, मंद बुद्धि तो कमकल वाला, सहनशील जो सहन कर सकता, उल्टी खोपड़ी तो ये तो सबको पता ही है। फिर आता है मछली का पर्याय नहीं है, तो देखो मीन है हमें पता है, मत्स्य है, अब बचे दो, इनमें से एक नहीं है, एक है। तो झक शब्द जो है, झक
जहाँ ख, ये भी मछली का आपका पर्याय शबरी नहीं है। ओके, शबरी शब्द मछली का पर्याय नहीं है। तो मछली शब्द के पर्यायवाची हैं झक, शक, ये झश और झख, ये दो अलग अलग हैं। मछली जल जीवन, शफरी, शफरी होता है, और मकर, तो ये सारे मछली के पर्यायवाची हो गए आपके। तो शबरी जो शब्द है वो हमारा अलग शब्द हो गया। फिर आता है कि धनुष, इनमें से एक धनुष विशेष है, तो हमारा नावक जो है वो धनुष विशेष है। तो जैसे कि जावक जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, मेहंदी से रिलेटेड है, और पावक और अनल ये हमारे आग से रिलेटेड है, अग्नि। ओके, शावक मतलब शेर का बच्चा, शावक बच्चा, और नावक क्या हो गया, धनुष के तीर की भांति, तो नावक मतलब धनुष के तीर की भांति। तो ये हमारा नावक यहाँ से हमने जोड़ दिया, तो धनुष विशेष है मतलब धनुष के तीर की भांति नावक। उसके बाद बात करते हैं कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, तो हमारा आदित्य शब्द जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। बाकी हमारा इश, अक्षी, मयंक नहीं है सूर्य का पर्यायवाची। आदित्य सूर्य के पर्यायवाची शब्द में रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, अर्क, तरणी, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली, मार्तंड, सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो गए। जबकि ईश जो शब्द है उसका होता है अर्थ ईश्वर से मतलब होता है उसका, और ईश ईश्वर का अक्षी, आग का, ठीक है, अक्षी अलग शब्द हो गया हमारा, अक्षी शब्द आग के लिए यूज करते हैं, और मयंक हम शब्द जो है वो चंद्रमा के लिए यूज करते हैं। फिर 93 में आता है कि निम्नलिखित शब्द समूह में भिन्न अर्थ देने वाला शब्द, ठीक है, भिन्न अर्थ वाला कौन सा है, मतलब तीन एक जैसे होंगे एक अलग होगा। तो पवन, मारुत और समीर तीनों हमारे हवा के पर्यायवाची हो गए, अनल जो है वो आग का हो गया। ओके, तो ये तो बहुत पढ़ी ली, रिपीट हो के। उसके बाद सॉरी 94 में आता है शब्दों में एक पर्यायवाची नहीं है, मतलब वही है कि एक अलग है। तो हमारा तनुजा, सुता और दुहिता सारे बेटी के लिए यूज होते हैं शब्द। अनुजा जो शब्द है वो छोटी बहन के लिए यूज होता है, तो अनुजा का अर्थ छोटी बहन है, और तनुजा, सुता, दुहिता पुत्री के लिए यूज होते हैं। उसके बाद खर पे आते हैं, खर का मतलब ये होता है बाढ़। ओके, तो खर बाकी हमारा सॉरी खर का मतलब बाढ़ नहीं होगा, वही तो मैं सोच रहा था। यहाँ पे बोला है कि खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, तो खर का है क्या, गधे के लिए यूज करते हैं, तिनके के लिए यूज करते हैं, और एक राक्षस के लिए भी यूज करते हैं खर शब्द, बाढ़ हमारा नहीं होता। तो खर का अर्थ बाढ़ नहीं है, अन्य विकल्प गधा, तिनका तथा राक्षस खर के शब्द है। बाढ़ शब्द के हमारे पर्याय हैं तीर, तोमर, विशिख, शर, ईशु और सायक। ये काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द हैं, ये हमारे बाढ़ के पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है, बाढ़ जो धनुष बाढ़ वाला बाढ़ होता है। उसके बाद आता है कि 96 कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो एक मतलब एक नहीं है बाकी हैं, तो मरीची शब्द होता है किरण के लिए, ठीक है, और हमारा दीप्ति शब्द यूज होता है, और पुष्कर शब्द सॉरी रश्मि शब्द भी यूज होता है किरण के लिए। पुष्कर शब्द जो होता है वो हमारा, पहले इसको कर देते हैं क्योंकि ये सारे किरण के पर्यायवाची हो गए। पुष्कर शब्द जो होता है वो हमारा नहीं होता है, तो पुष्कर शब्द किरण का नहीं बल्कि तालाब का पर्यायवाची है। किरण के पर्यायवाची शब्द में मरीची, रश्मि, दीप्ति, अंशु, कर तथा मयूख, एक शब्द मयूख, ये भी किरण का पर्यायवाची हो गया, तो ये सारे हो गए। उसके बाद इधर आ जाते वापस, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 86 से 88 तक बाकी आपको डायरेक्ट एक मतलब उसका अर्थ वाला शब्द ढूंढना है। जैसे कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत अच्छी बुद्धि वाला, तो त्वरित बुद्धि, ओके, अच्छी बुद्धि वाला, तो घातक और मंद बुद्धि तो बिल्कुल नहीं होगा और जल्दबाज भी नहीं होगा, तो कुशाग्र बुद्धि मतलब त्वरित बुद्धि। उसके बाद आता है परिव्राजक, परिव्राजक तो ये किससे रिलेटेड है, सन्यासी से रिलेटेड शब्द है। फिर आता है अप्रवासी, किसी देश में आकर बस जाने वाला, मतलब उस देश का नहीं है, दूसरे देश से आया प्रवासी। और पर्यटक मतलब दर्शनीय स्थलों पर घूमने वाला, सबको पता है। तो सन्यासी शब्द परिव्राजक के लिए यूज होता है। उसी तरीके से छपाकर शब्द है, ओके, छपाकर हमारा निशाकर का पर्यायवाची है। जैसे कि छपाकर निशाकर का समानार्थी शब्द है क्योंकि दोनों का अर्थ चंद्रमा होता है। दिवाकर जो शब्द है वो हमारा ऑब्वियसली बात है हमारा सूर्य के लिए हो गया, प्रभाकर भी हो गया, और जबकि रजनीचर जो है वो राक्षस के लिए यूज होता है। फिर आता है कि जलद का समानार्थी शब्द है, तो जलद का समानार्थी हमारा हो गया मेघ, मतलब बादल, बादल को जलद कहते हैं। तो इसे बादल में दा आता है बीच में, तो जितने शब्दों में इस तरीके से मिले जुले दा आता है। जैसे देखो यहाँ पढ़ी लो, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, ये दा बहुत, अम्बुद, दा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दा आता है, तो इससे पहचान सकते हैं। बाकी धर वाले हो गए, पयोधर, वारिधर, ठीक है, बाकी मेघ, घनी, सारे हमारे बादल के पर्यायवाची शब्द हो गए। बाकी कमल, सरोवर, पर्वत तो अलग ही हो गया, तो इसका ये हो गया। फिर आता है हमारा त्रिपुरारी शब्द का अर्थ हमें बताना है, ओके, तो राक्षस, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इसमें से एक होगा, शिव होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ,
तो त्रिपुरारी अर्थ का शिव है, शिव शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जटाधारी, तीर्थ देव, चंडीपति, देवेश, निरंजन, नीलकंठ, ठीक है, पिनाकपाड़ी, भूदेव, महाभैरव, त्रिपुरारी और त्रिमूर्ति, और ये त्रिपुरारी शब्द था, तो अर्थात सारे शिव के, ठीक है। यहाँ पे तीन वाला आ जाता है शब्द, वो ज्यादातर शिव जी से रिलेटेड शब्द हो गए हमारे। फिर आता है 97 पे, निम्नलिखित में से कौन सा, कौन निश्चल का अर्थ नहीं है, निश्चल का अर्थ नहीं है, तो हमारा जो अपने स्थान से हिल ना सके, एक तो ये हो गया निश्चल का अर्थ हमारा, स्थिर वो भी एक ही जैसा है, और अचल भी वही बात कह रहा है, तो ये तीनों एक जैसे मिलते जुलते शब्द हो गए, मतलब ये तीनों का अर्थ एक जैसा ही है। और हमें बताना था कि जो अर्थ नहीं है, मतलब एक ऐसा होगा जो निश्चल का अर्थ नहीं होगा, तो बाकी तीनों उसके अर्थ होंगे, तो निश्चित जो शब्द है वो निश्चल का अर्थ नहीं है, निश्चित अलग है, निश्चल अलग है। तो निश्चल का वही अर्थ है कि जो अपने स्थान से हिल ना सके, अचल हो, स्थिर हो, ठीक है, तो निश्चित यहाँ पे हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद व्योम आता है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब कि तीन शब्द व्योम के पर्यायवाची हैं, तो अंतरिक्ष, अंबर और नभ एक जैसे शब्द हो गए, तो ये हैं। पीयूष जो शब्द है वो व्योम का पर्यायवाची नहीं, पीयूष मतलब हमारा अमृत, ठीक है। अन्य विकल्प अंतरिक्ष, अंबर, नभ, व्योम हमारे पर्याय, जबकि पीयूष का अर्थ है अमृत। उसके बाद आते हैं 98 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो तीन है उसके, ठीक है, रजनी है, विभावरी है और निशी है, ये तीनों रात्रि के पर्यायवाची हैं, बट जो एक शब्द है समीर वो हमारा हवा का पर्यायवाची है, वो हमें साफ साफ पता है। ओके, तो बाकी इनमें देख लेते हैं कि समीर कहाँ से, वायु से होता है, इसके अनपर्यायवाची शब्द हैं अनिल, पवन, वायु, बयार, ठीक है, बयार शब्द। फिर आता है कि अन्य तीनों विकल्प रजनी, निशी, विभावरी, रात्रि के पर्यायवाची शब्द, रात्रि के अनपर्यायवाची शब्द है रैन, निशा, निशीत, यामिनी, तमी, विभावरी और शर्वरी, ये सारे रात्रि के पर्यायवाची शब्द हो गए। ओके, फिर आगे चलते हैं 104 पे, अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, एक युग्म गलत है, कौन सा गलत है, पुरंदर, अमरपति, ठीक है, ये ठीक है, सरोवर, पुष्कर, ये तो बिल्कुल ठीक है, हमने मतलब ये तो हमें याद हो गया सरोवर का, पुष्कर। फिर आया कि फड़ी, उरग, इसको भी चेक करेंगे, और जल्दी और अम्बुद, तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका मेरे हिसाब से, तो जल्दी अम्बुज के इक्वल होता है, अम्बुद के नहीं। ओके, तो जल्दी, ठीक है, जल्दी अम्बुद पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी का समुद्र होता है, अम्बुद का बादल होता है। ओके, तो जल्दी का अंबुज हम यूज कर सकते हैं, पर अम्बुद नहीं, अम्बुद हमारा बादल के लिए यूज होता है, और अम्बुज हमारा इसी मतलब जल्दी समुद्र के लिए यूज होता है, तो अम्बुद ये गलत है। बाकी देखो, पुरंदर, अमरपति, इंद्र के हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, ये दोनों इंद्र के हो गए, तो ये याद रखेंगे, पुरंदर और अमरपति। बाकी हमारा क्या है, सरोवर, पुष्कर, ठीक है, फड़ी, उरुक, सर्प का, ठीक है, फड़ी फन वाला, फड़ी में फन बीच में ले आओ, उरुक, उरुक शब्द जो है सर्प के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आते हैं 99 पे, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होगा, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा शार्दूल, शार्दूल, ठीक है। इनके अन्य पर्यायवाची शब्द है केसरी, व्याघ्र, सिंह, पुंडरीक, नाहर, ये सारे हमारे सिंह या शेर से रिलेटेड शब्द हैं, ठीक है, बाकी हिरन तो नहीं होगा, कुरंग अलग चीज़ है, बुरे रंग वाला भत्ता, और अही, अही देख लेते हैं, जो अही शब्द है, अही सर्प का, एवं कुरंग हिरन, कुरंग का एक तो कुरंग मतलब बत्ता, और कुरंग का एक हमारे पर्यायवाची हिरण भी होता है, ठीक है, कुरंग का एक पर्यायवाची हिरण शब्द भी होता है, और अही हमारा सर्प होता है, और शार्दुल, मृगेंद्र हमारा सारा केसरी, व्याघ्र, सिंह, पुंडरीक, ये सारे होते हैं। उसके बाद आते हैं 105 पे कि निम्नलिखित शब्दों में से सरिता का पर्याय नहीं है, तो सरिता शब्द का पर्याय हमसे कह रहा है कि नहीं है, वो हमें बताना है। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या नहीं है, तो त्रिपतगा हमारा नहीं है, तो क्या क्या है, टटनी है, निम्मा है, निम्ना है और तरंगिणी है, तो सरिता के ये तीन पर्याय हो गए, तो त्रिपतगा सरिता का पर्याय नहीं है, वरन ये गंगा का पर्याय है। ओके, ये नदी की बात हो रही है, तो त्रिपतगा आपका किसका, गंगा का पर्याय हो गया, ये गंगा का पर्याय हो गया। सरिता का पर्याय टटनी, निम्ना, तरंगिणी, निर्झरणी, पयस्विनी, तरनी, ठीक है, स्रोतनी, लहरी, अपगा, सरी, तरंगवती, नदिया, बहुत सारे पर्याय हैं। ओके, तो ये सरिता के पर्याय हैं, ये तीनों इसी के हैं, तरंगिणी, निम्ना, टटनी, और बाकी क्या है, गंगा के सुरसई, नदीसुरी, जानवी, देवपगा, त्रिपतगा, सुरसरिता, मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी, विष्णुपति, सारे गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद आता है कि आग का पर्यायवाची शब्द हमारा नहीं है, तो देखो अनल है, पावक है, कृषाणु है, कृषाणु याद रखेंगे, ठीक है, आग का होता है। व्योम जो शब्द है, व्योम शब्द हमारा आकाश का पर्यायवाची होता है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। बाकी
हमारा आकाश के अन्पर्यायवाची है नभ, अंबर, शून्य, शून्य भी होता है अब्र, गगन। आग के पर्यायवाची क्या है हमारे बाकी, ठीक है, अग्नि, पावक, अनल, हुताशन, वहनी, ये सारे आग के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद 106 पे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो एक शब्द नहीं है, बाकी हैं, राजीव है और हमारा कुवलय है, अंबुज है, ये कमल के पर्यायवाची हैं। अब बचा क्या हमारा जलद, जलद वो हमारा किसका, बादल का पर्यायवाची है, ठीक है, बादल से है, जबकि राजीव, कुवलय, अंबुज हमारे कमल से संबंधित है। कमल के अन्पर्यायवाची शब्द है कंज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, इंदिवर, उत्पल, ये सारे कमल के हो गए। बादल के धन, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, वारिद, वारिधर, ये सारे बादल के हो गए। उसके बाद आता है देवज्ञ का अर्थ है, देवज्ञ का अर्थ हमारा है ज्योतिषी, ओके, तो देवता, किन्नर, गंधर्व नहीं, तो देवज्ञ का अर्थ है ज्योतिषी। इसका अन्य अर्थ है गणक, भविष्य, भविष्य वक्ता, नजूमी, ये सारे ज्योतिषी के हमारे अलग अलग शब्द हो गए। इसी तरह बात कर रहा है कि देवता का अन्पर्याय है देव, सुर, विबुध, अमर्त्य, अमर, अजर, आदित्य, निर्जर, त्रिदश, ये सारे देवता के हो गए। उसके बाद आता है, पहले देख लेते हैं 107 कि इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो तरंग तो होता है और वीची होता है और हिलोर होता है, ये लहर के पर्यायवाची शब्द हो गए सारे। तो एक शब्द कौन सा नहीं है, दुकूल, दुकूल जो शब्द है वो वस्त्र का पर्यायवाची है, ये अच्छा वर्ड है, काफ़ी न्यू तरीके का वर्ड है, ये याद रखेंगे। तो लहर का तो वही वीची, तिरंग, तरंग, हिलोर, जबकि दुगुल वस्त्र का पर्यायवाची, वस्त्र के अन्पर्यायवाची हैं चीर, कपड़ा, पट और अंबर, अंबर, तो ये सारे कपड़े के हो गए। फिर आता है कि देवता का पर्याय इनमें से एक, तो अभी हमने इसी में देखा था, देखो यहाँ देखा था ये विबुध, तो इसमें विबुध जो शब्द है ये देवता का पर्यायवाची है, ज्योतिष तो वो अलग शब्द हो गया, अलकेश अनिक नहीं, ठीक है, विबुध हमारा देवता का पर्यायवाची है। फिर यहाँ पे शब्द है ऐषणा, ऐषणा का अर्थ क्या है ये हमें बताना है, तो अभिलाषा, ओके, घृणा और अभिलाषा में बहुत अंतर है दूर दूर तक। अनिक्षा नहीं, ये मतलब अभिलाषा मतलब इच्छा, तो ये भी उल्टा शब्द हो गया अनिक्षा, तो ऐसा का शब्द है अभिलाषा। इनका अन्य मतलब अर्थ है इच्छा, कामना, चाह, आकांक्षा, इच्छा, ये सारे इसके और मीनिंग हो गए। फिर यहाँ पे जो देवता का विबुध है, तो देवता का पर्याय है विबुध, देवता के अन्पर्याय हैं सुर, अमर, देव, आदित्य, गीवाण, और आदित्य हमारा सूर्य के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 109 पे कि बगीचा का पर्याय हमारा क्या है, तो आराम, ठीक है, इन बाकी में, बाकियों में से कोई नहीं है, व्यजन, कल्पशाल, निर्जन नहीं है, तो बगीचा हमारा आराम, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है आराम। निर्जन, व्यजन या कल्पशाल का बगीचा से कोई आशा नहीं है, बगीचा के अन्पर्यायवाची शब्द है वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, बाग आदि, ओके। फिर आता है इधर एक षट पद, एक शब्द है षट पद, तो इसका पर्यायवाची शब्द हमारा क्या है, भ्रमर, भवरा के लिए होता है। एक किंचना, किंचना करके कुछ शब्द था, वो भी हमारा भंवरे के लिए होता था, तो षटपट का पर्यायवाची शब्द भ्रमर है। इसके अन्य है भवरा, अली, द्विरेप, मधुप, मधुकर, भ्रंग, ये सारे भंवरे के हमारे पर्यायवाची शब्द हो गए। उसके बाद और आगे चलते हैं, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है, तुरंग हमारा वाजी के लिए यूज होता है, इसको और डिटेल में समझते हैं। बाकी क्या है, विजन, किंकर, अम्बुधर, तो बाकी क्या है कि तुरंग का पर्यायवाची शब्द हमारा वाजी है। इनके अन्य पर्याय वाले शब्द है घोटक, घोड़ा, सैंधव्य, हय, रविपुत्र, अरबा और तुरंग, मतलब ये जो वाजी है ये किसके लिए, घोड़े के लिए यूज हो रहा है, और तुरंग भी वही घोड़े का पर्यायवाची शब्द हो गया। यहाँ पे बात आई कि मछली का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो मत्स्य है और हमारा मीन भी है और शफरी भी है, ऊपर एक एमसीक्यू था उसमें शफरी तो नीचे आंसर में गया था, वहाँ शबरी दिया था, तो उसमें आंसर यही क्वेश्चन यही था कि मछली का पर्यायवाची नहीं है, उसमें शबरी आंसर था, पर शफरी होता है, तो हमारा क्या नहीं होगा, जलोदरी हमारा नहीं होगा, तो जलोदरी हमारा मछली से संबंध नहीं रखता है। तो मछली के और क्या हो गए, मीन, मत्स्य, शफरी और झक, जलजीव और मकर, ये बाकी भी मछली के पर्यायवाची हमारे हो गए, ये याद रखेंगे, ठीक है, झक। फिर आता है हमारा विडौजा, इसको दूसरे से कर लेते हैं, ये शब्द है विडौजा का पर्यायवाची शब्द है हमारा इंद्र का, विडौजा मतलब इंद्र का, इंद्र से रिलेटेड, तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा विडौजा इंद्र का पर्यायवाची है, मतलब पूछ रहा है किसका पर्यायवाची, तो इंद्र का, इंद्र के अन्पर्यायवाची हैं सुरपति, शचीपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, देवराय, अमरपति, वज्रधर, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची शब्द है हमारे, ओके। फिर आता है यहाँ पे जीव का पर्याय हमारा क्या है, तो जीव का हमारा रसना, जो रस से रिलेटेड शब्द हो गए वो हमारे लगभग ज्यादातर जीव के पर्यायवाची में आ गए, तो वचन नहीं, ध्वनि नहीं, जीव नहीं, तो जीव का पर्यायवाची है रसना और जीवा, जवान, आत्मा, ये सारे जीव के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट,
कि मार, ग्रीन ही ले लिया यार, मार का, मार शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अनंग का, ठीक है, अनंग का पर्यायवाची है मार, तो मार अनंग, मार शब्द का पर्यायवाची अनंग, अनंग का आशय है कामदेव से। इसके अनपर्यायवाची शब्द है मन्मथ, मदन, रतिपति, कुशुमेश, मनसिज, मकरध्वज, करदप, कंदर्प, मीन केतु आदि सब किसके? कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ये। और बाकी तो हमारा स्वर्ण, आदम, जादू अलग ही हो गए। उसके बाद आता है कि अही का पर्यायवाची नहीं है, यह कह रहा है कि अही का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा उरग है, पवन, पवनाश है, और सरी श्रप है, ये सारे अही के पर्यायवाची हैं, तो कौन सा नहीं है? हमारा सिंधुर नहीं है। सिंधुर का अर्थ किससे है? आशय हाथी से है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जबकि अही, उरग, सरीसृप, पवनाश सर्प के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अही हम किसके लिए यूज करते हैं? सर्प के लिए यूज करते हैं, सांप के लिए। तो उरग, पवनाश, ये सारे हमारे, और क्या हो गया, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल, पनंग, सांप, सारंग, ये सारे सांप के हो गए। अच्छा, हाथी के भी वो बता रहा है, कुंजर, गज, हस्ती, करी, नाग, मतंग, दंती, वारंग, ये सारे हाथी के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद और देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आता है कि इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है, तो हमारा तमिस्त्रा, तमिस्त्रा जो शब्द है वो रसा का पर्यायवाची शब्द है। ओके, रसा का पर्यायवाची शब्द है तमिस्त्रा, जिसका अर्थ रात्रि होता है, ठीक है, रसा का, इसका अर्थ रात्रि भी होता है। रात्रि के अनपर्यायवाची शब्द हमारे क्या क्या हैं? तो यामिनी, निशा, रजनी, विभावरी, राका, तमसा, छपा, ठीक है, छपा, अनविकल्प, रत्न, भर्गा, अचला और धरित्री, ये बाकी तीनों जो हैं ये हमारे पृथ्वी के हो गए, अचला, रत्न, गर्भा और धरित्री, ये हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हो गए। उसके बाद आता है नैसर्गिक, इसका पर्यायवाची शब्द है हमारा प्राकृतिक, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, ओके। जबकि सत्कृत, चमकृत, चमत्कृत और चतुर्दिक का नैसर्गिक सबसे कोई लेना देना नहीं, तो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक। उसके बाद आता है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो हमने ऊपर ही देखा था कि ये सिंह से रिलेटेड है, मृगेंद्र मतलब मृगों का राजा, तो वो मृग तो नहीं होगा, मतलब मृग मतलब हिरण, तो वो सिंह होगा मतलब केसरी। तो कुछ भुजंग हमारा सांप के लिए, कुरंग, तुरंग, ये कुछ नहीं, ठीक है, केसरी। और इसको बाकी से देख लेते हैं, तो भुजंग हमारा सांप के लिए हो गया, तुरंग हमारा घोड़े के लिए हो गया, और हमारा कुरंग हमारा हिरण के लिए हो गया। और इसी मृगेंद्र का केसरी के और पर्यायवाची शब्द क्या है? आपका मृगरी, मृगराज, पुंडरीक और व्याघ्र। तो 119 हो गए, 120 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथ का पर्यायवाची नहीं है तो पाड़ी होता है, हस्त होता है और करबी होता है। तो कटी जो शब्द है वो हमारा हाथ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कौन से पर्यायवाची हमारे हैं? हस्त, पाड़ी, कर, सारे हाथ के। कटी का पर्यायवाची कमर प्रदेश होता है, ओके। कटी शब्द के लिए प्रयुक्त हमारा कमर प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता है। फिर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो हमारा दिनेश होता है, दिनकर होता है, प्रभाकर होता है, विभाकर नहीं होता, विभाकर हमारा सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, ओके। बाकी तीनों हैं। उसके बाद 126 पे देखते हैं कि शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो शिवालय तो जहाँ वो रहते हैं, और रुद्राक्ष जो वो पहनते हैं, हरि, विष्णु जी, तो रुद्र हो गया, शिव का पर्यायवाची हो गया हमारा रुद्र। तो दिए गए विकल्प में शिव का पर्यायवाची रुद्र है, ना कि शिवालय, रुद्राक्ष और हरि। शिव का अनपर्यायवाची है शंभु, त्रिपुरारी, ओके, महादेव, देवादिदेव, कैलाशपति, शंकर, ओके। उसके बाद आता है 127 की यमुना का पर्यायवाची है, तो हमारा सीधे से कालिंदी, ओके। तो भागीरथी हमारा गंगा के लिए हो गया, और बाकी क्या देख लेंगे, भागीरथी क्या गंगा का पर्यायवाची शब्द है, यमुना के अनपर्यायवाची हैं सूर तनया, भानुजा, सूर सुता और तरण तनुजा, ये सारे हमारे किसके? यमुना के ही पर्यायवाची शब्द हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीत, 128 पे, कि निशीत का पर्यायवाची नहीं है, मतलब बाकी तीन है, तो देख लो यहाँ पे एक अलग कौन सा है। देखो रात्रि, रजनी और निशा, ये तीनों ये रात के लिए हो गए, तो निशीत भी रात का पर्यायवाची है, तम जो है वो अंधेरे का है, तो उसमें और इसमें थोड़ा अंतर होता है, तो हमारा यहाँ ये हो गया, ओके। ये सारे बाकी तम के पर्यायवाची, तमिस्त्रा, तिमिर, धुहात, ये तम के पर्यायवाची हो गए सारे। उसके बाद देखते हैं चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ओके। तो हमारा चंद्र, चंद्रातप होता है, ज्योत्सना होता है और कौमुदी, ये सारे चांदनी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कौन सा? मयंक, मयंक नहीं होता, ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, मयंक के आसे चंद्रमा से होता है। जबकि चंद्र, चंद्राताप, कौमुदी, ज्योत्सना, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है सारे के सारे। चांदनी के अन्य पर्यायवाची शब्द हमारे कौन से हो गए?
सी के हो गए जुनहाई और अंजोरिया, ये भी शब्द हमारे चांदनी के ही पर्यायवाची शब्द हो गए अलग। ओके उसके बाद और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो वीड़ापाड़ी तो होता है और भारती भी होता है और हमारा महाश्वेता भी होता है, ये सारे सरस्वती के हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है, ये अभी तक याद हो जाने चाहिए अलग अलग। तो पद्वा या इसको जो भी रीड करेंगे पद्मा, ये हमारा नहीं होता है, पद्मा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, पद्मा का अर्थ होता है लक्ष्मी, ठीक है, पद्मा जो शब्द है वो लक्ष्मी से जुड़ा होता है। उसके बाद जबकि वीणापाड़ी महाश्वेता भारती सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, सरस्वती के पर्याय हैं गिरा शारदा विमला वागीश और वागेश्वरी, ये सारे सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हो गए हमारे। उसके बाद बात करते हैं सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पे क्या है हमारा, तो प्रकाश अलग चीज़ हो गई, तेज भी अलग चीज़ हो गई, मार्तंड जो शब्द है ये सूर्य का पर्यायवाची है। बाकी क्या है सूर्य के पर्यायवाची, हमारे तरणी आदित्य दिवाकर प्रभाकर दिनवर दिनकर भास्कर सारे हमारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आते हैं 124 पे कि जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है, तो जनार्दन हम विष्णु के लिए यूज़ करते हैं, विष्णु के पर्यायवाची शब्द के तौर पे। ओके जनार्दन विष्णु के पर्यायवाची शब्द है, जनार्दन के अनपर्यायवाची हैं हरि लक्ष्मीकांत माधव केशव गोविंद लक्ष्मीपति विशंभर नारायण पीताम्बर। अब इसमें जो ये शब्द हैं कि माधव केशव वो हम कृष्ण जी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं पर्यायवाची में। ओके और कहने को तो वैसे भी विष्णु का पर्याय कृष्ण भी कह सकते हैं, एक ही है, पर ब्रह्मा राम में अंतर है, और फिर राम भी विष्णु के हमारे पर्यायवाची एक तरीके से हो गए। उसके बाद यहाँ अरविंद की बात करी गई है कि अरविंद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, मतलब एक नहीं है बाकी तीनों हैं। देखो अरविंद हम पंकज और कमल के लिए यूज़ करते हैं, तो अंबुज पंकज जलज ये अरविंद के हैं, बाकी मिलिंद जो शब्द है वो हमारा इसका पर्यायवाची नहीं है, ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं, और जो मिलिंद शब्द है वो हमारा भौरा का पर्यायवाची है। ओके तो इसके पर्यायवाची कमल के क्या है, पंकज जलज अंबुज सरसिज राजीव अंबोज सरोज नलिन और अरविंद, ये सारे पंकज के हो गए मतलब कमल के हो गए। फिर आता है कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो बाकी तीन हैं, तो पयोदी है जल्दी है और वारिदी है, ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं, पर ये जो जलद है ये हमारा बादल का पर्यायवाची हो गया। ओके तो ये हमारा जलद जो है वो आशा बादल का समुद्र के पर्यायवाची है, रत्नाकर नीर निधि पयोनिधि उदधि वारिश, ये सारे हमारे समुद्र के पर्यायवाची हो गए, जबकि जलद हमारा बादल का पर्यायवाची है। उसके बाद अब आते हैं और आगे, यहाँ पे बात हो रही है 131 की। ओके तीन पेज है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची शब्द का ही अर्थ है, तो हमारा समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द का अर्थ हो गया समानार्थी। उसके बाद बात हो रही है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है तो सुंदरी, ठीक है, मछली अलग हो गया, दुर्गा लक्ष्मी अलग है, मीनाक्षी का पर्यायवाची सुंदरी होता है, मीनाक्षी का आशय मीन की तरह आँख वाली होता है, मछली की तरह आँख वाली। नोट आयोग ने इसका उत्तर ए और बी अर्थात सुंदरी और दुर्गा दोनों को माना है। ओके उसके बाद आता है प्राची का पर्यायवाची शब्द में बताना है, तो पूर्व प्राची का पूर्व, ठीक है, प्राची और प्राचीन तो अलग अलग शब्द हैं, तो प्राची का हमारा पूर्व हो गया और प्राचीन प्रकृत और प्रज्ञा हमारे अलग शब्द है, प्रज्ञा हमारा नॉलेज के लिए हो गया। उसके बाद चलते हैं कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो हमारा सर्प तो होता ही होता है, विषधर भी होता है नाक का पर्यायवाची, और एक शब्द है अही, ये भी हमारा नाक का ही पर्यायवाची होता है, तो हमारा क्या नहीं होता, तुरंग हमारा इसका पर्यायवाची नहीं होता है। ओके तो नाक का पर्यायवाची शब्द तुरंग नहीं है, तुरंग का पर्याय होता है घोड़ा, जबकि सर्प अही और विषधर हमारे नाक के पर्यायवाची शब्द हो गए। नाक के अनपर्यायवाची शब्द है भुजंग व्याल उरग पन्नग सांप सारंग आदि, घोड़ा के अनपर्यायवाची शब्द है हमारे घोड़ा वाजी घोटक अश्व और है, ये सारे किसके हो गए, घोड़े के पर्यायवाची शब्द हो गए। उसके बाद आते हैं तरंग का पर्यायवाची शब्द है, तरंग जो है उसका पर्यायवाची शब्द हमें बताना है, तो पुष्कर कूल उर्मी, ठीक है, तो पुष्कर हमारा तालाब के लिए हो गया, जल्दी हमारा उसके लिए समुद्र के लिए हो गया, कूल भी नहीं, उर्मी जो शब्द है वो तरंग का हमारा पर्यायवाची शब्द है। इसके अलग पर्यायवाची शब्द है लहर हिलोर और वीची, ठीक है, ये वीची याद रखेंगे। उसके बाद आता है 134 की जंगल का पर्यायवाची शब्द है, हमारा कांतार जो शब्द है वो जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है, और जो शब्द है प्रमोद विश्रांति दिव्य ये कुछ भी नहीं है, बाकी जंगल के पर्यायवाची शब्द है विपिन कानन वन अटवी कांतार, ये सारे जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद बात करते हैं 140 की कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दानव है, ओके निशाचर है, राक्षस है,
तो ये जो है भूसुर ये हमारा दानव का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। भूसुर का पर्याय होता है ब्रह्मा, और महीसुर भी वो ब्राह्मण होता है, और महीसुर भी ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं विप्र, भूदेव, महीसुर और द्विज, ये ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्रोध। क्रोध का मतलब क्या हो गया आपका अमर्ष क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। बाकी संताप, वैमनस्य, भीति नहीं, तो क्रोध का पर्यायवाची शब्द अमर्ष है, ना कि संताप और ये, ठीक है, अमर्ष ये याद रखेंगे क्रोध का। फिर आता है रुख का पर्यायवाची शब्द है तो विटप, ठीक है, ये याद रखेंगे, रुख का पर्यायवाची शब्द विटप होता है। रुख का अनपर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पेड़, द्रुम, ठीक है, पादप, विटप आदि, पेड़ के लिए एक्चुअली यूज करते हैं रुख। और जो हिरम्ब होता है हम पहले भी देख चुके हैं, हिरम्ब हमने देखा था कि ये गणेश जी का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद बिजली, तो बिजली हमारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बिजली हमारा चंचला भी होता है बिजली का पर्यायवाची, और दामिनी भी होता है और तड़ित भी होता है, ये याद रखेंगे, हमारा विटुंडा नहीं होता है। तो दामिनी, चंचला, तड़ित बिजली के साथ पर्यायवाची शब्द है। इसके अनपर्यायवाची शब्द है चपला, क्षणप्रभा और स्वदामिनी, ठीक है, विटुंडा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। फिर आता है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो ब्रह्मा हमारे चतुर्मुख होते हैं, कमलासन भी होते हैं, चतुरानन भी होते हैं, ठीक है, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। चतुर्भुज हम विष्णु जी के लिए यूज करते हैं, तो ये हमारा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। फिर यहाँ पे बात आती है 137 पे कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो हमने पढ़ा है कि है होता है, तुरंग होता है, और हमारा वाजी होता है। शार्दूल जो शब्द है वो हमारा शेर या सिंह के लिए हम यूज करते हैं, ओके, ये है। तो जबकि अन्य वाजी, तुरंग है, घोड़ा का पर्यायवाची, शार्दूल का पर्यायवाची सिंह होता है। सिंह के अन्य पर्यायवाची शब्द केहरी, केसरी, वनराज, हरि, मृगराज, ये सारे सिंह के पर्यायवाची शब्द है, तो केहरी एक शब्द नया। उसके बाद यहाँ पे वापस लौट के आते हैं कि विष्णु के अनपर्यायवाची शब्द है नारायण, हरि, चक्रपाणि, चतुर्भुज, मुकुंद, जनार्दन, गोविंद, लक्ष्मीपति, सब नारायण के शब्द हैं। और ब्रह्मा के शब्द हमारे कमलासन, विरंची, पितामह, चतुरानन, चतुर्मुख, प्रजापति, स्वयंभू, ये सारे ब्रह्मा के शब्द हुए पर्यायवाची। फिर आता है कि भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो चंचलीक तो होता है, मिलिंद भी होता है, ये सब हम पीछे के क्वेश्चंस में देख चुके हैं, और हमारा शिलीमुख भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, शलभ जो शब्द है वो हमारा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होगा। शलभ का अर्थ क्या होता है, हमारा पतंगा शब्द होता है। तो बाकी देखो भ्रमर के और क्या हो गए हमारे, ठीक है, तो चंचलीक, शिलीमुख, मिलिंद, भवरा, भौरा, और क्या है, ध्यात्व है कि शिलीमुख का अर्थ एक अनर्थ बाढ़ भी होता है। तो ये जो शिलीमुख है इसका एक अन्य अर्थ हमारा बाढ़ भी होता है, शिलीमुख का दूसरा अर्थ। फिर इधर आता है कि एक पत्थर का हमारा पर्यायवाची नहीं है, तो देखो प्रस्तर होता है, पाहन होता है, और आपका उपल भी होता है, ये सारे पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। पर ये जो पशम है, ये पशम हमारा नहीं होता, ओके, तो इसके और अपर्यायवाची क्या हो गए, पत्थर के, ठीक है, उपल, पाहन, पाषाण, प्रस्तर और अश्म और शिला, ये सारे पत्थर के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर इधर आता है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, देखो पुरंदर होता है, मधवा भी होता है और शक्र भी होगा, ये सब पढ़े हुए हमने पीछे के क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्या है कि गड़ाधिप, ये हमारा पर्यायवाची इंद्र का नहीं होगा। उक्त विकल्पों में इंद्र का पर्यायवाची गड़ाधिप नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प हैं, और इंद्र के अन्य पर्यायवाची हैं देवराज, महेंद्र, शचीपति, सुरेंद्र, ठीक है, पुरुहूत, वासव, मेदवाहन, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची शब्द हो गए। और इधर आगे चलते हैं, यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची नहीं है, देखो तनुजा नहीं होता है, ओके, रविजा होगा, सूर्यजा होगा, अकरजा होगा। तनुजा किसके लिए आ जाता है, पुत्री के लिए आ जाता है। और क्या क्या हो गए यमुना के पर्यायवाची हमारे, ठीक है, रविजा हो गया, सूर्यजा हो गया, सूर्यसुता हो गया, अकरजा हो गया, कृष्णा हो गया, कालिंदी हो गया, और तनुजा पुत्री के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है हिरण्यगर्भ, ये शब्द अलग है काफी, का पर्यायवाची शब्द है हमारा ब्रह्मा। तो हिरण्यगर्भ हमारा ब्रह्मा के लिए यूज किया जाता है। पहले 150-151 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो गंगाधर होता है, और हमारा त्रिलोचन होता है, और ललाटाक्ष होता है, ये सारे होते हैं शंकर के पर्यायवाची। अब भैया बच गया क्या, हमारा शशधर बच गया, तो ये ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव सारे हैं। शशधर जो होता है वो हमारा किसका पर्यायवाची शब्द हो गया, चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया शशधर, ओके, ये याद रखेंगे। फिर आता है 151 पे कि एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, तो रसाल होता है, सहकार होता है और अति सौरभ होता है, आम के पर्यायवाची हैं हमारे।
अंबु जो शब्द है, देखिए ये तो हो गए, अंबु जो शब्द है वो हमारा आम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अंबु जल का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, आम के और क्या पर्यायवाची हो गए, अति सौरभ है, सहकार है, रसाल है, आम्र है, फल श्रेष्ठ है, अमृत फल है, ये सारे आम के पर्यायवाची हैं। उसके बाद आता है 152 कि निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ओके, तो हमारा कमलासन, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ब्रह्मा का पर्यायवाची है, तो कमलेश, कमला, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि, नारायण, विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि कमलासन, इसमें एक शब्द है कमलासन, हरिप्रिया और कमला, कमलासन ब्रह्मा का नहीं था, हाँ ये देखो, ये देखो ब्रह्मा का कमलासन है। ओके, और दूसरा शब्द भी है, लक्ष्मी जी भी कमल पे आसन करती हैं, तो लक्ष्मी के लिए भी कमलासन हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, हरिप्रिया, ये सारे लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आते हैं 153 पे कि एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो क्या क्या होता है, हेम होता है, हाटक होता है और कलधौत होता है, ये याद रखने वाली बातें हैं। तो हमारा बच क्या गया, हिरण्या, हिरण्या शब्द स्वर्ण का हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो मतलब इनके हिसाब से हमारा ये भी हिरण्य भी स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे फिर ये सी ऑप्शन हमारा असत्य हो जाएगा। फिर आता है 146 की कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं कि उक्त विकल्पों में दास का पर्यायवाची परिकर भी होता है, जबकि अन्य तीनों अनुचर, भृत्य और सेवक। ठीक है, सेवक और अनुचर तो वैसे भी दास का पर्यायवाची होता ही होता है, तो भृत्य और परिकर दोनों होते हैं, तो यहाँ पे चारों ही हमारे दास के पर्यायवाची हो जाएंगे। ओके, फिर इधर आता है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, एक ही वर्ग हमारा सही है, तो देखो सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी, ये सारे के सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे हमारा तरणी शब्द जो आ गया ये गलत हो गया, सूर्य, रवि, दिनकर तो ठीक है, तरणी शब्द नहीं है, अग्नि, पावन, अलन, पिशुन नहीं है, देखो ये लिखा है इसी प्रकार, अग्नि, पावक, अनल आग के पर्यायवाची शब्द हैं, और महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, ये सतीश शब्द नहीं है आपका, मतलब ये तो वैसे भी इसमें नाम अलग से आ गए, तो ये तो हमारा ये बिल्कुल ठीक है, सिंह, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र, मृगरारी, पंचानन, ये सारे शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, सिंह, केसरी, वनराज, मृगारी, ये सारे के सारे। ओके, अब पहले इसको देख लेते हैं फिर लास्ट पे चलते हैं। तो ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हमारे पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, ये श्रस्तता, और ये प्रजापति, कमलासन, हंसवाहन, आत्मभू, ये सारे ब्रह्मा के हो गए। फिर विष्णु के देखें तो अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, मुकुंद, नारायण, गरुड़ध्वज आदि हैं। महेश के देखते हैं, महेश मतलब शंकर जी, तो शिव, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, देवादिदेव, मदनारी, चंद्रमौली, ये शिव जी के हो गए। फिर गणेश जी के पर्याय में देखेंगे तो हेरम्ब और विघ्न विनाशक, गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गजानन, ये सारे हो गए। आयोग ने उस प्रश्न का उत्तर ए और बी अर्थात ब्रह्मा में विष्णु दोनों माना है, हिरण्यगर्भ को उन्होंने दोनों माना है ए और बी, पर ज़्यादा बेटर माना ब्रह्मा होगा, हिरण्यगर्भ अगर शब्द आता है तो। अब आते हैं लास्ट पेज पे, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, एक ही हमारा सही है, देखो इंद्र, रतीश और सहन, ठीक है मघवा, इसमें रतीश शब्द हमारा नहीं है। ठीक है, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सारे हमारे सही हैं। फिर यमुना, कालिंदी, भानु, ये जाह्नवी शब्द गंगा के लिए हो जाता है, वस्त्र, पाटक, अंबर और क्षीर यहाँ पे एक हमारा गलत है, देख लेते हैं। घर, निकेतन, आयतन, निलय, घर ग्रह के पर्यायवाची शब्द हैं, मधवा और सह स्नाक्ष हमारे इंद्र के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पे शर्तीस गलत है, गालिंदी और भानुतना यमुना के पर्यायवाची, जबकि जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार पाटक व चीर वस्त्र के पर्याय हैं, जबकि अंबर जो है ये अंबर ये आपका यहाँ पे ये गलत है, इसमें रतीश गलत है, इसमें जाह्नवी, इसमें अंबर, ये आपका किसका है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। फिर आता है मीन का हमारा कौन सा है, तो देखो झक शब्द जो हमने वहाँ पे देखा था कि मछली के लिए यूज होता है, तो मीन का यहाँ पे समानार्थी शब्द झक हो जाएगा, मीन का समानार्थी शब्द झक है, जबकि शिलीमुख, अली, शटपट, मिलिंद, ठीक है भ्रमर, ये बाकी तीनों के तीनों ये आपके किसके भौरे के, हमारे मधुकर, मधुब आदि भौरे के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद देखते हैं कि एक शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो जल्दी तो होता है, जल निधि भी होता है, और हमारा जल धाम भी होता है समुद्र का, तो जलाधिप हमारा नहीं होगा,
तो जलधि, जलधाम, जलनिधि और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द है, जबकि जलाधिप आपका वैदिक देवता वरुण के लिए यूज होता है। इसको मैं और हाईलाइट कर देता हूँ, वैदिक देवता वरुण के लिए आपका ये जलाधिप शब्द यूज होता है, ये याद रखेंगे, जलाधिप वैदिक देवता वरुण। फिर आता है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, तो देखो झंडा केतु का पर्याय होता है, निशान भी और पताका भी झंडे के लिए यूज होता है, तो ग्रह जो है, ग्रह शब्द हमारा इसमें यूज नहीं होता है। बाकी इसके क्या वर्ड है, केतु का पर्याय ग्रह नहीं है, जबकि झंडा, पटाखा, निशान, केतन, ध्वज, केतन और ध्वज आदि केतु के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद आगे आते हैं, तलवार का पर्यायवाची शब्द है हमारा करवाल, तलवार का पर्यायवाची शब्द है करवाल। ओके, हलवार, धरवार, धारदार नहीं है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है करवाल। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है खड़ग, असी, कृपाड़, तेग, करवाल और शमशीर, ये सब तलवार के पर्यायवाची शब्द हो गए हमारे। उसके बाद आते हैं 164 पे कि कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या हो गया यहाँ पे, मार। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आर्य 2017 में भी पूछा था। बाकी कामदेव का पर्यायवाची मार है, बाकी क्या है, अनंग, कंदर्प, मदन, अधे, रतिपति, मार कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। ऐसे यहाँ पे भी कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा है, तो हमारा रतिनाथ होता है, कामग होता है और अनंग होता है, हमने यहीं पे पढ़े। तो कामपाल जो है ये हमारा, इसका कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, अन्य दिए गए सभी सब कामदेव के पर्यायवाची, कामदेव के अन्य पर्यायवाची शब्द है काम, मदन, मनोज, मयन, पंचशर, मनगत, रतिपति, मनी, मनसिज, मीन केतु, मकर, ध्वज, ये सारे हमारे कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद आता है कि धनंजय का पर्यायवाची शब्द हमारा कौन है, तो गुड़ाकेश है, मतलब धनंजय किसके लिए, अर्जुन के लिए यूज करते हैं, सारथी और धनुधर और ये सब अमृतंजय अलग है, तो धन ओके तो ये धनंजय का पर्याय हमारा गुड़ाकेश है, इसके अन्य पर्याय हैं अर्जुन, अर्जुन के लिए यूज करते हैं पार्थ, कौंते, गुड़ाकेश, गांडीवधर आदि धनंजय के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, बाकी तीनों नहीं है। इधर आते हैं विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो हमारा बाढ़ का पर्यायवाची है विशिक। इसके और क्या हो गए, हमारे तीर, शर, शायक, ये सारे बाढ़ के पर्यायवाची शब्द हो गए, तो ये याद रखेंगे। ओके, बाढ़ के अन्य पर्यायवाची शब्द है और विशिक हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कि 158 की कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो तुरंग तो होता है, हय भी होता है और वाजी भी होता है। शार्दूल जो शब्द है वो हमारा किसके लिए यूज होता है, हमारा शेर के लिए यूज होता है, शेर का पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है। बाकी देखो वाजी, तुरंग, हय, अश्व, घोटक आदि घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। फिर आता है टीका शब्द का पर्याय है, तो टीका का पर्याय है हमारा व्याख्या, तो आलेख, टेकुआ, टकली नहीं, तो व्याख्या, भाज्य, ओके, व्रति और भाषा तरंग, विवृत्ति आदि टीका के पर्यायवाची शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। उसके बाद यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या होता है आपका, कृष्णा होता है, अकर्जा होता है और हंससुता होता है, ठीक है, हंससुता होता है, ये याद करेंगे, ये दोनों तो याद हो गए, अकर्जा और कृष्णा। अब बचा क्या हमारा, कूलकंशा, कूलकंशा हमारा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, तो कूलकंशा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये नदी का पर्याय है, कूलकंशा हम नदी को बोलते हैं, किसी भी नदी को हम बोल सकते हैं, ठीक है। यमुना के लिए हंससुता, अकर्जा, कृष्णा यमुना के पर्यायवाची शब्द है। फिर आता है कि अंक शब्द, जो अंक शब्द है का अर्थ नहीं होता है, अंक शब्द का अर्थ हमारा क्या नहीं होता है, तो गोद होता है, संख्या होता है, अंक तो संख्या होता है, यह चिन्ह भी होगा, अंग नहीं होगा, अंक का हमारा अंग नहीं होगा, तो अंग, अंक का शब्द का अर्थ नहीं होता है, जबकि गोद, चिन्ह और संख्या अंक का ही सही अर्थ है। अंग का अर्थ है शरीर, शरीर का कोई हिस्सा या अंश या शाखा, ये सारे अंग के अर्थ हो गए, ठीक है, ये सारे किसके अंग के अर्थ हो गए, शरीर का कोई हिस्सा, कोई अवयव। उसके बाद आखिरी है कि खिड़की का पर्यायवाची है। ओके, खिड़की का पर्यायवाची हमारा वातायन, बाहरी, दरीचा, ये सारे उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे के सारे हैं, तो वातायन, बारी, दरीचा, ठीक है, खिड़की का भी पहली बार आया है खिड़की शब्द का, इस मतलब इस पूरे क्वेश्चन में हमने नहीं पढ़ा, तो वातायन, दरीचा, बारी सारी खिड़की के पर्यायवाची हैं। खिड़की के अन्य पर्यायवाची हैं गवाक्ष, झरोका और आदि, ठीक है, तो वातायन, बारी और दरीचा, तो ये याद कर लेंगे, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, खिड़की के पर्यायवाची हैं वातायन, बारी, दरीचा, गवाक्ष और झरोका।